रउरा लोगन के नमस्कार। सी डीप आईआईटी बम्बई की तरफ से हम रउरा लोगन के ई ट्यूटोरियल में स्वागत करत बानी। ई ट्यूटोरियल आप लोगन के कैम स्टूडियो के चरणबद्ध तरीका से सीखने में मदद करी। सीखले के तरीका वह सही होला जेमन चलचित्र और संवाद वाचन साथ साथ चले। ऑडियो वीडियो प्रस्तुति कोनो चीज के बहुत स्पष्ट तरीका से समझा सकेला। कैम स्टूडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करे वाला एगो सॉफ्टवेयर है जोन कंप्यूटर पे चले वाला सब क्रियाकलाप के रिकॉर्ड करे और बाद में ओके चलावे देला। एकर माने आप लोग कैम स्टूडियो के उपयोग करके ये सब काम कर सकत बानी। कोनो सॉफ्टवेयर के विशेषता के प्रस्तुति में, विद्यालय और महाविद्यालय के खातिर ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल के निर्माण में, उपयोगकर्ता के सिखावे वाला वीडियो बनावे में, कोनो काम कैले के तरीका दिखावे में, AVI फाइल के फ्लैश फाइल में बदलने में और बहुत कुछ कर सकले में। हालांकि सॉफ्टवेयर के जानकारी बहुत कम लोग के पास, लेकिन एक उपयोग अथाह बढ़े। कैम स्टूडियो के प्रयोग MS विंडोज 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 या XP संस्करण के साथ कई सकल जाला। ई प्रोग्राम के इंस्टॉल करे खातिर बस 400 MHz के प्रोसेसर, 64 MB के रैम और 4 MB के हार्ड डिस्क के जगह के जरूरत पड़ेला। कैम स्टूडियो एगो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हवे जेके इंटरनेट से निःशुल्क डाउनलोड कई जा सकेला। इस सॉफ्टवेयर के खोले खातिर www.camstudio.org पे जाएं, वेबसाइट खोल के स्क्रॉल करके नीचे जाएं और डाउनलोड करे वाला लिंक पे क्लिक करें। अब अपने कंप्यूटर पे कैम स्टूडियो के डाउनलोड करे खातिर दिहल गए निर्देशन के पालन करें। एक बार कैम स्टूडियो इंस्टॉल कर लेला के बाद एकरा के चलावे खातिर बस एकरा के आइकन पे डबल क्लिक करें। ऐसे कैम स्टूडियो के डायलॉग बॉक्स खुल जाई। रउरा के विंडो के ऊपर दाई ओर मुख्य सूची दिखाई दी। फाइल में जाके रउरा लगे रिकॉर्ड, स्टॉप, पॉज और एग्जिट के विकल्प दिखाई दी। रउरा तदनुसार बटन डायलॉग बॉक्स में पहबे करबे, ओकरे साथ साथ रिकॉर्ड करे खातिर लाल बटन, पॉज करे खातिर दूसर बटन और रिकॉर्डिंग रोके खातिर नीला बटन भी पहबे। ऐसा सुझाव देवल जाला कि रिकॉर्डिंग शुरू कैला से पहले कर्सर की सहायता से कैप्चर क्षेत्र निर्धारित कर लेवल जाए। रीजन के नीचे 3 कैप्चर कैले के विकल्प दिखाई दी। अगर रउरा रीजन के चुन के रिकॉर्ड पे क्लिक करबे तो रउरा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एगो आयताकार क्षेत्र चुन के ओकरा अंदर के चीज रिकॉर्ड कर सकत बानी। अगर रउरा फिक्स रीजन चुनत बानी तब रउरा कैप्चर क्षेत्र के पिक्सल में निर्धारित कर सकत बानी। अगर रउरा फुल स्क्रीन चुनबे तो सगरी स्क्रीन कैप्चर हो जाई। अनेबल ऑटो पैन कैम स्टूडियो के एगो बेजोड़ खूबी हवे। ई विकल्प चुनने पे रिकॉर्डिंग के दौरान कर्सर जहाँ जहाँ जाई कैप्चर क्षेत्र वहाँ वहाँ ओकर अनुसरण करी। एकरा प्रभाव से रिकॉर्डिंग स्क्रीन के उहे क्षेत्र में होला जहाँ सबसे ज़्यादा गतिविधि होला। इहाँ रउरा पैनिंग के रफ्तार भी निर्धारित कर सकत बानी। ऑप्शन के नीचे वीडियो ऑप्शन आवेला जहाँ रउरा आवश्यकता अनुसार कंप्रेसर चुन सकत बानी ताकि वीडियो फाइल के साइज छोट होवे। डिफ़ॉल्ट से माइक्रोसॉफ्ट वीडियो 1 कंप्रेसर रहेला, लेकिन रउरा के देहल गए ड्रॉप डाउन बॉक्स में से कोनो दूसर कंप्रेसर चाहे कोडेक चुने के आज़ादी रहेला। एकरे अलावा अपना ज़रूरत के हिसाब से रउरा कोडेक इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकत बानी। वीडियो ऑप्शन सेट कैले पे रउरा फाइल के आकार, गुणवत्ता और फ्रेम दर चुन के रिकॉर्डिंग के बढ़िया बना सकत बानी। की फ्रेम, कैप्चर फ्रेम और प्लेबैक रेट के मान निर्धारित करे खातिर पहले ऑटो एडजस्ट बटन से सही के निशान हटा देहल जाला। अब रउरा अपन आवश्यकता अनुसार मान निर्धारित कर सकत बानी। ई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करे खातिर हम कंप्रेसर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट 1 जेमन की फ्रेम के मान 5, कैप्चर फ्रेम के मान 200 और प्लेबैक रेट के मान 5 रख ले बानी। क्वालिटी के मान घटा के 50 कर दे ले बानी। प्रयास त्रुटि विधि और विविध तरीका के क्रमचय संचय लगा के हम व्यक्तिगत तौर पे इन सब मानन के आउटपुट क्वालिटी और फाइल साइज के हिसाब से उचित पैनी। कर्सर ऑप्शन सेट कैले से हमनी के गतिविधि होवे वाला क्षेत्र में ध्यान आकर्षित होवे में और फिर ओकरा के रिकॉर्ड कैले में मदद मिलेला। ऑप्शन के नीचे जहाँ रउरा लगे शो कर्सर या हाइड कर्सर के विकल्प हो, कर्सर ऑप्शन पे क्लिक करी। डिफॉल्ट से शो कर्सर विकल्प चुनल होखेला। कर्सर के 3 विकल्प होखेला, एक्चुअल कर्सर, कस्टम कर्सर जौना के आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में से चुन सकत बानी, या फिर रउरा अपने कंप्यूटर में मौजूद कर्सर फोल्डर में से कर्सर लोड कर सकीला। एकरे बाद कर्सर के आसपास के क्षेत्र
बॉक्स में सही के निशान लगा के चिन्हांकित कई जा सकेला। रउरा हाईलाइट के आकार, आकृति और रंग निर्धारित कई सकत बानी। अब ओके पे क्लिक करी। रउरा के अपने कर्सर में कोनो बदलाव ना दिखाई दी, लेकिन रिकॉर्ड भइल वीडियो में एगो परिवर्तित और चिन्हित कर्सर दिखाई दी। अब हम रउरा के ई समझा के दिखावत बानी। डिफॉल्ट से कैम स्टूडियो आवाज़ ना रिकॉर्ड करेला। ऑप्शन पे सही के निशान लगेला से रउरा आवाज़ माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर सकत बानी, जौन कि ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल बनावे खातिर बहुत ही जोरदार खूबी हवे। ई विकल्प उपयोग करे खातिर रउरा के एगो माइक्रोफोन जुड़ल साउंड कार्ड चाहिए। ई विकल्प चुनला से रउरा अपन कंप्यूटर से जुड़ल स्पीकर से भी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकत बानी। प्रोग्राम ऑप्शन जैसन औरो विकल्प होला, जेमन उप विकल्प होला। ई सब विकल्प के प्रयोग कई के रउरा रिकॉर्डिंग के समय कैम स्टूडियो के व्यवहार के कस्टमाइज कर सकत बानी। आदर्शतः वह विकल्प चुनी जौना से रिकॉर्डिंग शुरू होके समय प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाए। ई कैला से कैम स्टूडियो मिनिमाइज होके स्क्रीन के नीचे दाहिनी ओर सिस्टम ट्रे में आ जाई। अभिन रउरा के सिस्टम ट्रे में कैम स्टूडियो के दू ठो आइकन दिखाई दी। ऐसन ऐसे होता कहे कि हम अपन ई ट्यूटोरियल कैम स्टूडियो का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड करत बानी। फ्लैश ऑप्शन रिकॉर्ड करे के तीन ठो उप विकल्प होला। कीबोर्ड शॉर्टकट में जाके रउरा रिकॉर्ड, पॉज, स्टॉप और रेस्ट करे खातिर हॉट की निर्धारित कर सकत बानी। रउरा में से कोनो विकल्प चुने खातिर स्वतंत्र बानी। तो हमरा के उम्मीद बा कि हम रउरा के पर्याप्त जानकारी दे देनी जौना से रउरा कैन स्टूडियो के शुरुआत कर सकें। इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करके रउरा ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल और ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल बना सकत बानी। एक बार रउरा कैन स्टूडियो के शुरुआती चीजन में फरार हो गई नहीं, तब रउरा एकरा अगला संस्करण के अग्रिम खूबी देखे के चाहब। तब तक खातिर सीडीप आईआईटी बॉम्बे की तरफ से हम आशीष रउरा लोगन से विदा लेत बानी। रउरा लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद।